और बताओ गाइस सब बढ़िया। अगर बढ़िया नहीं भी हो गए तो इस वाले वीडियो को देखने के बाद जरूर बढ़िया हो जाओगे, क्योंकि आज के इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द MP40 स्नीकी क्लाउन चैलेंज। और यहाँ पे हम लोग ने MP40 ले लिया, और गाइस वीडियो के एंड में मैं आप लोग को इसका रिव्यू बताऊंगा ये कैसी है, रेंज, रेट ऑफ फायर एक्सेट्रा 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 कैसे हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर देना गाइस, अच्छा लगता है, इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं, इसको देखते हैं हेडशॉट दे पाते हैं कि नहीं, ठीक है। एक सेकंड रुकना, अरे 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 रुक जा, स्विच करता हूँ, रुको। और चलो हेडशॉट नहीं दे पाए, कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट राउंड में हम लोग हेडशॉट पर ज़रूर दे देंगे। इसको लोल दिखाते हैं और ठीक है देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी इसका रिव्यू मैं आपको दूंगा, ठीक है। स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो, एंड जिसने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड वीडियो को लाइक नहीं किया, कर देना गाइस ध्यान से। ये आया, अरे यार हेडशॉट नहीं लग रहा है इससे गाइस। पहले तो इस मतलब फ्री फायर मैक्स में तो इससे मैं हेडशॉट मार लेता था, अब इससे क्यों नहीं लग रहा गाइस पता नहीं। पहले रुको गाइस, इसको मैं निपटाता हूं, फिर आप लोग से बात करता हूं आराम से। ये कहां चला गया, इजी या हैकर, ओके वेरी नाइस। ओ पीछे गया है क्या, सामने है, सामने देख लिया मैंने, पीछे की तरफ सामने, ओके 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 नाइस। ये मेरा नेट ग्लू वॉल, अरे या गाइस मैं बताऊँ पता नहीं फ्री फायर, चलो बढ़िया गाइस। तो देखते हैं नेक्स्ट राउंड में अगर MP40 हमें ये बंदा खरीद के देता है तो हम लेंगे, वरना फिर मैं आपको इसको अपना ऑनेस्ट रिव्यू सुनाता हूँ, ठीक है। तो बाकी जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार कर दो। और माइनक्राफ्ट की सीरीज़ आने वाली है चैनल पे बहुत ही जल्दी, परसों या नरसों फर्स्ट वीडियो सर्वाइवल का आ जाएगा, ठीक है। पूरा कंटेंट मैं आपके सामने खोल देता हूँ, कुछ सरप्राइज रहता ही नहीं है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो। एंड इसने ग्रॉस और M187 लिए, पहले वाला राउंड निकालते हैं फिर हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि कैसी मुझे ये लगी और किन लोगों के लिए अच्छा है, रेट ऑफ फायर क्या है। इसको पहले हेडशॉट से, ओ भाई गाइस इट्स हेडशॉट के लिए लाइक तो बनता है, जिसने भी लाइक नहीं दबाया लाइक का बटन दबा दो, ठीक है। तो अब यार बात करते हैं ये मुझे MP40 कैसी लगी। तो गाइस ये वाली जो MP40 है मुझे ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक नहीं काफ़ी बढ़िया लगी, लेकिन ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए। अब आप लोग तो जानते हो ई स्पोर्ट्स में क्या होता है कि हमें बस बंदे को मारना होता है, फिर चाहे बंदा ग्रेनेड फ्लैश फ्ली मुक्का हेडशॉट बॉडी शॉट में ये नहीं देखा जाता कौन नूब है कौन प्रो है, वो सिटअप ग्लूवर लगा रहा है कि नहीं, उसमें ये देखा जाता है कि बंदा मर रहा है हाँ मतलब ये बंदा ई स्पोर्ट्स जीत गया, मतलब ई स्पोर्ट्स का वाला मैच जीत गया। और ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में ई स्पोर्ट्स के तो काफ़ी बड़े ग्रैंड प्राइजेस होते हैं, बस बंदों को मार के उसमें कोई नूब या फिर प्रो नहीं देखा जाता है। तो गाइस मेरा मानना है कि ये जो गन है ये ई स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसकी रेंज मीडियम है और दूसरा इसका रेट ऑफ फायर बहुत तगड़ा है, मतलब ई स्पोर्ट वालों के लिए बहुत ज़्यादा तगड़ा है। और बाकी जो सिंपल BR रैंक की पुश के लिए है और क्लैश स्क्वाड रैंक की पुश के लिए है उसके लिए वाली गन उतनी ज़्यादा बेटर नहीं, उसके लिए बनी और ये सब मतलब बहुत बढ़िया बनी, तो चलो किसके पास ही मतलब हाँ कई सारे लोगों के पास है भी कई सारे के पास नहीं है। तो उम्मीद है यार आप लोग वाला वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और स्टे ट्यून फॉर द माइनक्राफ्ट वीडियो। एंड गाइज उम्मीद है आप लोग को वाला वीडियो पसंद आया होगा, एंड गाइज मेरी राय मानना इसको ई स्पोर्ट्स के लिए यूज़ करना, तक ले बाय गाइज।